हेलो एंड वेलकम टू यूर्स, लेट्स कमेंस टूडेज प्रैक्टिस। आइए शुरू करते हैं आज की प्रैक्टिस। जो भी साथी जुड़ चुके हैं उनका स्वागत, अभिनंदन व वंदन है। माय डियर, यदि आप लोगों ने इसके पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो आप लिटरेचर प्लेलिस्ट में जाकर के प्रीवियस पार्ट जरूर देखें। इसके पहले पार्ट्स में हम लोग 150 क्वेश्चन तक डिस्कस कर चुके हैं और ये पूरी सीरीज जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी आपको एप्लीकेशन में इसका PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यदि आपने अब तक हमारा एप्लीकेशन EWAS यानी EWAS ये डाउनलोड नहीं किया है तो आज ही आप लोग प्लेलिस्ट में गूगल आपका जो गूगल है क्या बोलते हैं कि आइए क्वेश्चन नंबर 151 से देखते हैं। थोड़ा सा मुझे रिमाइंड कराएंगे कि ये जो एप्लीकेशन डाउनलोड होता है उसमें प्ले स्टोर, यस याद आ गया, गूगल प्ले स्टोर में जाकर के डाउनलोड कर लीजिएगा। और प्यारे साथियों, ये क्वेश्चन नंबर 150 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे और आज हम लोग 51 से देखेंगे। इस शिक्षक परिवार की वास में आप सभी साथियों का स्वागत है। आइए पूरे जोशो जुनून के साथ में और पूर्ण मनोयोग से इस प्रैक्टिस को करें। क्वेश्चन नंबर 151। द लास्ट टू सोनेट्स 153 एंड 154 आर अबाउट द गॉड ऑफ लव एंड रिविजन्स ऑफ एन एपिग्राम ऑफ एंथोलॉजिया क्रेशिया, बट दे आर जनरली रिगार्डेड रिटन इन द सेम वेन एज द पोएम दैट अबाउट बिफोर इट सॉरी दैट कम बिफोर इट क्यूपिड मैरी फिटन डार्क लेडी फैनी। तो प्यारे साथियों, यहाँ पर सही आंसर बनेगा क्यूपिड, और क्यूपिड का मीनिंग होता है कामदेव, गॉड ऑफ लव, करेक्ट ऑप्शन ए। नेक्स्ट, व्हेन इन डिसग्रेस विद फॉर्च्यून एंड मेन्स आइज, दिस सोनेट इज, इस सोनेट का नंबर बताना है। ऑप्शंस 29, 30, 31, 32। द करेक्ट आंसर इज 29 इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 153, विच पोइम ऑफ टी एस एलियट हैज यूज्ड द टोन ऑफ द सोनेट 29, द वेस्टलैंड प्रिल्यूड आस वेंसडे नन ऑफ दीच। 53 में रिप्लाई करेंगे और यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है, आस वेंसडे, सी इज द राइट आंसर। तेजी से रिप्लाई करें और यकीन मानिए कि आज के क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट। आई ऑल अलोन बी वीप माय स्टिल आउटकास्ट कास्ट कास्ट रिकास्ट। तो सभी साथी बताएंगे जिन लोगों ने सोनेट पढ़ा है, आई ऑल अलोन बी वीप माय आउटकास्ट स्टेट, मैं रोता हूँ अकेले अपनी निर्वासित अवस्था के लिए। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 54 में ए होगा, 55, एंड अप ट्रबल हैविन विद माय बूटलेस क्राइच डम्प डेफ लेम, एंड ट्रबल डेफ होगा, करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट, विशिंग मी लाइक टू वन मोर इन होप रिच पुअर प्योनरी होप। तो आप सभी साथी रिप्लाई करें 56 नंबर में, विशिंग मी लाइक टू वन मोर रिच इन होप, करेक्ट आंसर इज ए रिच। नेक्स्ट, लाइक टू द एट ब्रेक ऑफ द डे राइजिंग स्काई लार्क लार्क नाइटेंगल। अब देखिए इसमें कुछ अर्थ बताने जैसा नहीं है, है ना। आप सभी साथी रिप्लाई करें, जिन लोगों ने पढ़ा हुआ है वो तुरंत तेज़ी से रिप्लाई करेंगे कि 157 में सही आंसर क्या है, द करेक्ट आंसर इज लार्क, बी इज द राइट आंसर। 58, फॉर दाई स्वीट रिमेंबर्ड सच वेल्थ ब्रिंग्स हेट मर्सी लव नन ऑफ दीज। फॉर दाई स्वीट, अब स्वीट के बाद बताओ क्या लगाओगे। आप लोगों ने जो सोनेट पढ़ा है वहीं से लिया गया है, स्वीट लव, वेरी गुड सुपर, करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट, दैट देन आई स्कॉर्न टू चेंज माई विद किंग्स,
पोजीशन क्लेम फीलिंग्स स्टेट 159 में क्या लगेगा बताइए, सभी लोग रिप्लाई करें। देन आई स्कॉर्न टू चेंज माई स्टेट विद किंग्स, और केवल उठा करके सोनेट पढ़ लीजिए, एलटी ग्रेड में जो प्रेस्क्राइब्ड है वहीं से ये क्वेश्चन लिया गया है। When my love swears that she is made of truth, this sonnet is, सोनेट का नंबर बताना है 138, 139, 140, 141। तो माय डियर सभी को ये बात याद होनी चाहिए कि आपके एलटी में कौन सा सोनेट प्रेस्क्राइब्ड है। करेक्ट आंसर इज, बताएं सभी लोग, करेक्ट आंसर इज ए, क्वेश्चन नंबर 60 में 138 इज द राइट आंसर, 61। हाउ डज शेक्सपियर ट्रीट द सब्जेक्ट इन सोनेट 138? साइकोलॉजिकली, फिजिकली, इमोशनली, कॉजियली? चलिए बताएं। अब थोड़ा सा यहाँ मीनिंग समझा देता हूँ कि शेक्सपियर ने सोनेट संख्या 138 में किस तरीके से सब्जेक्ट को ट्रीट किया है, यानी कि कैसे डिस्क्राइब किया है, कैसे वर्णन किया है। तो आप सभी साथी बताएंगे मनोवैज्ञानिक तरीके से, वेरी गुड, ए इज द राइट आंसर, साइकोलॉजिकली। साइकोलॉजिकल मीन्स मनोवैज्ञानिक होता, मनोवैज्ञान से संबंधित, साइकोलॉजिकली मनोवैज्ञानिक रूप से। 162, व्हाट इज रीजन ऑफ लिविंग ऑफ बोथ द लवर एंड द मिस्ट्रेस टुगेदर? ह्यूमन रिलेशनशिप, ह्यूमन बॉन्डिंग, लिव इन रिलेशनशिप, सेक्सुअल रिलेशनशिप। माय डियर यहाँ तुक्कम तुक्का नहीं चलेगा। जिन लोगों ने चाहे सेल्फ पढ़ा हो या हमारी क्लास में पढ़ा हो, और जिनको मैंने यह सोनेट पढ़ाया है, वो दोनों जानते हैं कि दोनों एक दूसरे को दगा दे रहे हैं, फिर भी एक दूसरे के साथ रहते हैं। वजह क्या है? वजह एक ही है, मनुष्य की प्रवृत्ति, सेक्सुअल रिलेशनशिप। करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट 163, हाउ डू दे फील टू ईच अदर्स नेचर ऑफ लाइंग? अनकम्फर्टेबल, सेटिस्फाइड, कम्फर्टेबल, नन ऑफ दीच। तो 163 में वो एक दूसरे के जो स्वभाव है, जो एक दूसरे को झूठ बोलते हैं, वो इस बात को कैसे महसूस करते हैं? कम्फर्टेबल, दोनों सहज हैं। करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट, विच फिगर डच शेक्सपियर यूज इन द वर्ड लाए? मेटाफर, सिमली, पन, पर्सोनिफिकेशन। तो बताइए 64 में क्या होगा? यहाँ पर लाए के दो मीनिंग हैं, और एक शब्द के जब दो मीनिंग होते हैं तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है? बताएंगे सभी साथी, बताएंगे 164 में रिप्लाई करेंगे। माय डियर आप सभी साथी रिप्लाई करिए, द करेक्ट आंसर इज सी, पन स्लेस, स्लेस अलंकार, पन इसे इंग्लिश में बोलते हैं। एक लाई का पहला मीनिंग है झूठ बोलना, और दूसरा मीनिंग है किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए लेटना। नेक्स्ट, करेक्ट आंसर हो गया आपका सी, लाई विच मीन्स टू इंजॉय सेक्स, टू डिसीव, बोथ आर करेक्ट, बोथ आर रॉन्ग। चलिए तो हमारे सभी भैया बहन 165 में रिप्लाई करेंगे, और यहाँ पर सही आंसर क्या है? बोथ आर करेक्ट, दोनों अर्थ सही हैं, टू इन्जॉय सेक्स एंड टू डिसीव। नेक्स्ट, सोनेट 138 इज द सोनेट दैट आल्सो अपीयर्स इन द पैशनेट पिलग्रिम, मर्चेंट ऑफ वेनिस, ट्वेल्थ नाइट, मैकबेथ। 66 में रिप्लाई करेंगी कि 138 सोनेट नंबर और कहाँ पर आया है, तो आप बोलोगे ए, पैशनेट पिलग्रिम। नेक्स्ट, द पैशनेट पिलग्रिम इज पब्लिश्ड बाय, पैशनेट पिलग्रिम इज पब्लिश्ड बाय, 167 में रिप्लाई करेंगे, और आप सभी साथी चारों ऑप्शन पढ़ के, चलिए ऑप्शंस पढ़ के रिप्लाई करिएगा, विलियम जेगर्ड, बेन जॉनसन, फ्लेचर, बेकन। और 167 में हमारे सभी साथी करेक्ट आंसर लगा रहे हैं, विलियम जेगर्ड, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 68, व्हेन माय लव स्वियर्स दैट सी इज मेड ऑफ सिल्क, लव, ट्रस्ट, ट्रूथ। चलिए बताएं आप लोगों ने जो सोनेट पढ़ा है एग्जैक्टली वहीं से ये लाइन ली गई है, कुछ भी आपको अलग से अपनी तरफ से नहीं लगाना है। और यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है? शी इज मेड ऑफ ट्रूथ, डी इज द राइट आंसर, द करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट, आई डू बिलीव हर
दो आई नो शी लाइच स्लीप्स वेक्स नोज। चलिए बताएं, सॉनेट से सीधे लाइन ली गई है और हमारे सभी प्यारे साथी एकदम सही रिप्लाई करेंगे, आई डू बिलीव हर, मैं उस पर विश्वास करता हूँ, यद्यपि मैं जानता हूँ कि वह झूठ बोलती है। ए इज द राइट आंसर, लाइच। दस वैनली थिंकिंग दैट शी थिंक्स मी यंग ओल्ड स्मार्ट नन ऑफ दीज। हाँ जी, 70 नंबर सॉनेट से सीधे लाइन, दस वैनली थिंकिंग दैट शी थिंक्स मी, ये बेकार है ये सोचना कि वो मुझे, मैं वृद्ध हूँ फिर भी मुझे वो युवा समझती है, थिंकिंग मी यंग। करेक्ट आंसर इज ए, क्योंकि आपको थोड़ा सा स्टोरी बता दें, ऑथर जो है वो वृद्ध हो चला है और जो उसकी प्रेयसी है वो एकदम नई है। यहाँ दोनों एक दूसरे को धोखा देते हैं। प्रेयसी कहती है, ऐसे ट्रीट करती है कि जैसे उसका प्रेमी एकदम युवा हो, यद्यपि वो जानती है कि वो ओल्ड हो गया, हो चुका है। और यहाँ दूसरी ओर देखिएगा कि उसका प्रेमी यानी ऑथर जानता है कि यह मेरी महबूबा किसी और से भी प्रेम प्रसंग चलाती है, इसके और भी रिलेशनशिप हैं कहीं, फिर भी वह खुश है कि बस मैं तो सिर्फ तुम्हारी हूँ, तुम मेरे हो। तो दोनों एक दूसरे से झूठ बोलते हैं और दोनों खुश हैं। सिंपली आई हर फॉल्स स्पीकिंग टंग लॉन्ग बाय सेल क्रेडिट। तो बोलो क्या क्रेडिट लगाओगे? सिंपली आई क्रेडिट, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ऑन बोथ फेयर फॉर से नॉट आई दैट आई एम ट्रस्ट ट्रुथ फेथ डिसीट। चलिए 72 में बहुत संभल करके आपको जवाब देना है और यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ट्रुथ, बी इज द राइट आंसर। एंड फेयर फॉर से नॉट आई शेल आई एम ओल्ड यंग स्मार्ट। चलिए 73 में रिप्लाई करें, वेयर फोर से नॉट, और इसी वजह से वो नहीं बताती कि मैं वृद्ध हूँ, ए इज द राइट आंसर। 74, ये 73 होगा, 74 आइए। ओ लव्स बेस्ट इज इन सीमिंग ट्रस्ट हैबिट लव नेचर फॉर्म। तो चलिए रिप्लाई करिए, ओ अरे लव्स बेस्ट हैबिट इज इन सीमिंग ट्रस्ट, प्रेम का सर्वोत्तम जो आदत है, कार्य है, वो है प्रेम को प्रदर्शित करना, कि प्रेम में विश्वास झलकना चाहिए, ए इज द राइट आंसर। एंड इन लव डज नॉट टू हैव ईयर्स टोल्ड ओल्ड यंग स्मार्ट एज, एंड एज इन लव कि ओल्ड लगाओगे, इसका हिंदी मीनिंग समझा दूँ, नहीं तो प्यारे साथी कमेंट करेंगे, बीच बीच हिंदी भी देना पड़ता है ना, सुनो ध्यान से माय डियर, हिंदी मीडियम वालों के लिए ही तो पढ़ाता हूँ। एंड एज इन लव, और ऐसा प्रेम जो उम्र दराज होने पर किया जाता है, लव्ज नॉट टू हैव ईयर्स टोल्ड, तो ऐसे प्रेम को बताने के लिए वर्षों का समय नहीं लगता था, तुरंत पता चल जाता है अगर दोनों प्रेमी मैच्योर हैं। Therefore, I lie with her and she with me, and in our false by lies, we flattered be. Where do these lines appear? चलिए इन lines का meaning समझिए बहुत ध्यान से, पूरे मनोयोग से समझें। Therefore, I lie with her, इसलिए मैं उससे झूठ बोलता हूँ, and she with me, और वो मुझसे झूठ बोलती है, and in our faults, और हमारी जो दो गलतियाँ हैं, कौन सी, बाय लाइज, ये झूठ बोल करके, वी फ्लैटर्ड भी, हम एक दूसरे की चापलूसी करते हैं। ये लाइन्स कहाँ पर आई हैं, किस सोनेट नंबर में आई हैं प्यारे साथियों, रिप्लाई करें। द करेक्ट आंसर इज 138, यस। डनकन इज द किंग ऑफ स्कॉटलैंड इंग्लैंड आयरलैंड। मेरा कोई भी विद्यार्थी, कोई भी भैया बहन इस क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं करेगा, वरना मुझे हर्ट हो जाएगा, जल्दी से रिप्लाई करो। डनकन कहाँ का राजा था, कोई इंग्लैंड लगा रहा है क्या? नहीं, स्कॉटलैंड इज द राइट आंसर, सभी साथी लगाएंगे, यहाँ पर करेक्ट आंसर ए होगा। चलिए डनकन के कितने बेटे थे और दोनों के नाम लिखो। नेक्स्ट, मेलकॉम एंड डोनाल्ड वेन आर सन्स ऑफ डनकन बैंको मैकडफ।
हमारे पढ़ने वाले सभी साथी मुस्कुरा करके जवाब दे, स्माइल के साथ। स्माइल करने से अच्छा होता है, फेस अच्छा हो जाता है, सुंदरता बढ़ जाती है। तो चलिए लगाइए, डंकन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, मैकबेथ एंड बैंको आर जनरल्स, किंग्स, ड्यूक्स, क्या थे, क्या तुम्हें याद है? आप कहोगे यस गुरुजी हमें याद है, जनरल्स थे। यस इज द राइट आंसर। और आज क्वेश्चन नंबर 180 की ओर चलते हैं, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। फ्लियंस इज द सन ऑफ, फ्लियंस किसका बिटवा था, डंकन, मैकबेथ, मैकडफ या बैंको? 180 में सभी प्यारे साथी रिप्लाई करेंगे। और ये फ्लियंस किसका बेटा था, बैंको का बेटा था। डी इज द राइट आंसर। इसी के साथ माय डियर, मैंने आपको ये आज 30 क्वेश्चंस कराए हैं। अभी अपनी सीरीज ये लंबी चलेगी, 200 से अधिक क्वेश्चन हैं हमारे पास, लगभग 225 और इसको 250 तक कर दिया जाएगा। और जो मैं आगे भी एक सीरीज लेकर के आऊँगा, आपको मैं यकीन दिलाता हूँ और भरोसा दिलाता हूँ, और आप अपने मित्रों के बाद बीच में ये बात साझा कर सकते हो कि जितना IELTS का सिलेबस है मैं पूरा आपको पब्लिकली प्रैक्टिस कराऊंगा। यदि आप पेड कोर्स नहीं ले सकते हैं तो भी आपको किसी तरीके की कोई चिंता की बात नहीं है, कुछ सोचना नहीं है, परेशान नहीं होना है। आप केवल और केवल इवास से जुड़े रहिए। जो साथी हमारे इस इवास एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए वो ज़रूर कर लेंगे, और इसी नाम से हमारा चैनल है, इसे भी ज्वाइन कर लेंगे, टेलीग्राम चैनल। पढ़ते रहिए, बस हमारा उद्देश्य है कि आपकी सफलता को सुनिश्चित करने में थोड़ा योगदान, थोड़ा सा कंट्रीब्यूट किया जाए। क्लास अच्छी लगे तो दिल खोल कर कमेंट्स करिए, अपने मित्रों के साथ शेयर करिए, बस यही है, आपका सपोर्ट चाहिए। टेक केयर, थैंक यू।